सीधे लिए चलते हैं आपको अजमेर की केकड़ी, जहां पर प्रियंका गांधी की जनसभा चल रही है। केकड़ाधीश बालाजी, लोक देवता देवनारायण भगवान जी, लोक देवता बाबा रामदेव जी, भगवान परशुराम जी, भगवान महावीर स्वामी जी, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती जी, वीर तेजा जी महाराज जी, इन सब महान आत्माओं को, भगवानों को, देवताओं को मेरा प्रणाम। तो देखिए, अभी त्योहार का समय था ना, अभी दिवाली हुई, तो त्योहार के समय हम सब क्या करते हैं, क्या करते हैं त्योहार के समय? हाँ, सफाई करते हैं, त्योहार के समय घर को साफ करते हैं, अच्छे अच्छा खाने का की चीजें बनाते हैं, मेहमान आते हैं हमारे घर, पूजा पाठ करते हैं हम। तो ये त्योहार का समय हम के समय में हम करते हैं। और जब कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं, खेती में जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कटाई करते हैं। तो चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमें? सफाई। देखिए, चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं, ऐसी सभाओं में जाते हैं हम, और बड़े बड़े नेता आते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी बातें सुनते हैं, फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है, लगाते हैं कि नहीं। फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 5 सालों से क्या चल रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है, क्या हमारी तरक्की हुई है, क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं, इसका हम आकलन करते हैं। और हम जब ऐसी सभाओं में आप लोग आते हैं तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से हमारी बातें सुने, चाहे हम हो चाहे भाजपा के नेता हो, ध्यान से हमारी बातें सुने और कोशिश करें इसका अनुमान लगाने का कि इन बातों में कुछ वजन है कि नहीं है, है कि नहीं। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रनआउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है, हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं, बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए, इनकी स्थिति क्या है, बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात, और असलियत कुछ और है, कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है, इनके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इन्होंने परे कर दिया है, किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम, बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आपके सामने अभी सचिन जी ने कहा कि भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। क्योंकि जो असली नेता होता है, जिसने आपके लिए काम किया, जैसे रघु शर्मा जी ने आपके लिए काम किया, हमारी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए काम किया, तो हम काम के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं या आपसे समर्थन मांगते हैं। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं,
मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है, और 18 सालों से इनकी सरकार है लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते जब मंच पे खड़े होते हैं, वहां पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं बताती हूँ, अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोत जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी, तो मैंने गहलोत जी से पूछा, आपने यहाँ राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं? गहलोत जी ने कहा कि देखिए 2 लाख रोजगार तो दिलवा दिए हैं हमने, और 1 लाख और की हमने घोषणा की है, जिसमें से 40,000 प्रोसेस में है। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ हमारी 5 सालों से सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको 2 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 18 सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, 18 सालों से, 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं, यहाँ 5 सालों में 2 लाख, वहाँ 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहाँ पाठशालाएं खोली हैं, इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में है इंग्लिश मीडियम की पाठशाला? हंसने लगे, कहे हर जिले में क्या, गांव गांव में खोल।